नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उन लोगों का वीडियो है जिनको समाज में लुटेरा भी कहा जाता है, घूसखोर भी कहा जाता है, रिश्वत लेने वाला भी कहा जाता है, लेकिन आज इस महामारी में वो खुद अपने जेब से पैसे लगाकर किस तरह से मानवता की सेवा कर रहे हैं और गली गली जाकर, बस स्टैंड, शहर के कोने कोने पर जाकर किस तरह से महामारी से बचने के लिए अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये वो योद्धा हैं जो हमारी दिन रात जाकर हमारी रक्षा भी करते हैं और इस महामारी के अंदर हमारी सुरक्षा भी करते हैं। महामारी फैली हुई है और अपने जेब से पैसा इकट्ठा करके हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और समझा रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और वीडियो देखने के बाद आप शेयर करने से नहीं रुकेंगे और इन योद्धाओं को सलाम भी बनता है। आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद ज़रूर लिखकर भेज दीजिए और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इन कोरोना योद्धाओं को हम हौसला दे सकें और आगे भी ये ऐसे ही मानवता भलाई के कार्य करते रहें। देखिए ये वीडियो, ये पूरी वीडियो देखना फिर अपनी राय देना, हमारा तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। अगर महामारी से लड़ना है, इसे भगाना है, तो सबको प्रयास करने होंगे। ये पूरी वीडियो देखकर अपनी राय देना, ठीक लगे तो इसे शेयर कर देना। देखें आगे पूरी वीडियो। ईब लगा भाई, तो यार इतनी सवारी लेकर जान लग रहे हो, तो हम खुद मास्क नहीं लगा रहे कंडक्टर ड्राइवर ना, तारी आदत बहुत खराब है, तो हम यार खुद मास्क नहीं लगा रहे ड्राइवर कंडक्टर, पब्लिक ने क्या समझाओगे तुम्हें? सवारी कितनी अलाउड है देखिए, है कहीं सोशल डिस्टेंस तुम्हारा? मैंने तो एक बात बता दोस्त, मैंने आपसे कोई एलर्जी नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार आदेश दे रही है, ये पब्लिक आप बिठा रहे हो बस में, आप खुद मास्क नहीं लगा रहे, कंडक्टर होगा ड्राइवर तेरा अभी मास्क लगाया हमने देख कर, तभी आए हम, आपने फिर हम बुरे लगाएंगे भाई साहब, भाई हमारा चलान कर दिया, पब्लिक परेशान होगी, पढ़े लिखे लोग आठ आठ दस दस तो पढ़े रहे हो, कंडक्टर ड्राइवर लग रहे हो, कुछ तो कर रहे हो तुम। फिर अंकल जी आप तो समझदार हो, इन ऐसे लोगों आप खुद बैठे हो, आपका भी फर्ज बना इनको समझाने का, भाई तू भी लगा ले मास्क, सिटी बजानी है, थोड़ा नीचे कर ले दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये जितने मास्क दिए तेरे पे नहीं, तू भी ले ले, ठीक है, ये लगा लो भाई, ये गोज तो लग रहे हम देने, अरे इस करके देवानी पुलिस देख रहे किसी ने, ठीक है मेरे भाई, दोस्त मैं उरे खड़े हूँ, दोबारा तेरा टक्कर आऊंगा, अगर मास्क नहीं मिला फिर चलाना होगा, ये मौका आ दनु कनेक्टर ड्राइवर, फिर तारा मालिक भी कहोगा मेरी बस बंद करवा दी। भाई ये मास्क लगाए करो यार, पढ़े लिखो कभी तुम, फिर कहोगे चलान कर दिया, खुद तारी भी जिम्मेवारी बना देश के लिए, तारी खुद की भी जिम्मेवारी है कोई देश के लिए, हम भी कुछ करें, हाँ? क्या करता है तेरा मास्क कहाँ बेटा, तुम्हारे मास्क कहाँ है, तेरा रहा है, तू क्या करता है, जोर का बोल थोड़ा, हाँ आईटीआई छुट्टी हो रही है, आईटीआई में किसका जाएगा, क्यों फिर तेरा मास्क कहाँ है, दे दे इनती सारा दी, दोबारा बिना मास्क दिखे नहीं छोटू, दोबारा बेटा बिना मास्क मत आना यहाँ, ये बताओ मास्क लगा क्यों नहीं रहे, है नहीं है तेरी जेब में देख, लगा क्यों नहीं रहा इसने, जूस तो पिया फिर भी लगा ले इसने, ऐसे ही घूम रहे हो रोड के ऊपर, क्या मतलब है तुम्हारा, काम है कोई, क्या काम करेगा, फिर बिजली का काम सिक्का 10 रुपए का, मास्क लेने का जुगाड़ नहीं तेरा, बीमारी पता कितनी भयानक है, काम सीख ले कोई नहीं, तो लगा ले दे दिया फ्री का तो लगा ले, पता कितनी भयानक बीमारी है, पता है क्या इस बीमारी के बारे में कुछ, सरकार पागल हो रही है,
तुम्हारी सेफ्टी के लिए तो लगी हुई है सरकार। अरे क्या करते हो, क्या काम सीखते हो, है वेल्डिंग का? आज तो छोड़ रहे हैं, जो दोबारा मिलके चलाना होगा, ठीक है, चलो भाग जाओ। यू मनीष है भाई चंदाना का, सैलून की दुकान पर आया है। पूरन देख, कान में लीड है और मास्क पुलिस को देख के लगा रहा है, आगे से मास्क लगाएगा। चल जा।